स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसी के अंदर हम चलेंगे छोटे छोटे इसके बेस कॉन्सेप्ट और लेंगे, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट आपको सामने रखा है कि स्लोप ऑफ लाइन के लिए कंडीशन फॉर पैरेललिज्म मीन्स टू लाइन जब पैरेलल हो, और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन्स मतलब टू लाइन जब परपेंडिकुलर हो या फिर टू लाइन जब पैरेलल हो उस केस में स्लोप क्या होगा, ठीक है, क्या रिलेशनशिप होगा। तो चलो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस की कंडीशन लेते हैं। दिस इज एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई और ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है ना। मैं टू लाइंस ले रहा हूँ, जब कोई भी टू लाइन सपोज एक लेता हूँ एल वन, एल वन एक लाइन लेता हूँ एल टू, हम मैंने एज्यूम किया लेट एल वन एल टू आर टू लाइन्स, तो लाइन्स लिया और दोनों क्या है एल वन, एल वन पैरेलल है L2 के, पहले पैरेलल वाली कंडीशन लेते हैं L1 पैरेलल L2 के लिए, ठीक है। x एक्सिस पे इंक्लाइंड है, कैसे देखना, ये लीजिए दिस इज L1 और ये जा रही है L2, L2, L1 और L2 दोनों लाइंस होगी, आई होप क्लियर नजर आ रहा है। तो x एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल ड्रॉ करेंगे इंक्लाइनेशन, ठीक है। एक के एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूँ और एक के एंगल को मैं बीटा ले लेता हूँ, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है, ले लिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, तो इनके एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन एंगल दीज टू एंगल इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, क्यों होगा, उसका रिलेशनशिप पता है भाई, एक ये टू पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट्स करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं, हमने छोटी क्लासेस पढ़ा था नाइन्थ स्टैंडर्ड में। तो भाई ये दोनों जब पैरेलल होंगी लाइंस तो दोनों एंगल्स जो होगा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ड्रॉ करेंगे वो हमेशा इक्वल एंगल आएंगे, और फिर उस केस में हमारा टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा, ये दोनों भी इक्वल होंगे, मीन्स दोनों के जो स्लोप होंगे टेन अल्फा एम वन इज इक्वल टू एम टू आएंगे, दोनों के स्लोप क्या आएंगे, इक्वल होंगे, स्लोप भी आपस में इक्वल होंगे। या फिर ये बोल सकते हैं पहली बात तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस तो देयर स्लोप्स आर इक्वल, या फिर किसी टू लाइंस के स्लोप इक्वल हैं तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि हमेशा स्लोप जो होता है ना, स्लोप लाई कहाँ करता है, जीरो डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, इसके बीच में ही स्लोप, ठीक है, लाई करता है, टेंजेंट लाई करता है, क्लियर। ये तो है पैरेलल वाली कंडीशन, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों स्लोप इस केस में। अब जब टू लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर हो, अभी तो हमने के पैरेलल वाली कंडीशंस ली थी, अब हम लेते हैं परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर मीन्स एल वन इज परपेंडिकुलर ऑन एल टू, एल वन एल टू आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग डायग्राम, सपोज एक लाइन ये जा रही है और एक ये जा रही है, ये ले लो, ठीक है, ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये समझना, ये अपनी L1 होगी, ये अपनी L2 होगी, तो L1 वन इज परपेंडिकुलर ऑन L2। एंगल्स अगर लें तो एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में एंगल्स लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, एंगल क्या होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा हमारा। तो ये अल्फा लेता हूँ, ये सपोज बीटा लेता हूँ, अल्फा और बीटा ये दोनों एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, ठीक है, एंगल L1 के साथ, L1 के साथ जो एंगल ड्रॉ हो रहा है एंगल वो हो रहा है अल्फा, और L2 के साथ जो एंगल ड्रॉ हुआ हमारा वो हुआ बीटा, ठीक है, x विथ x एक्सिस, x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, याद रखना, ठीक है, x एक्सिस के साथ ये और पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि जो स्लोप हमारा होगा टेंजेंट होगा हमेशा एक्स एक्सिस से ही हम निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ आप ये देखिए, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं तो इनके वर्टेक्स आपस में ये 90 है तो ये भी 90 होगा, दोनों एंगल 90 होंगे, मतलब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा है, ट्राइंगल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये बीटा जो है ना एक्सटीरियर एंगल है, तो उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के सम के बराबर ये हो जाएगा, क्या, अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल,
ये हमारी छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो समझना, मैं अल्फा को उस तरफ अगर शेयर भेजूं तो क्या बनेगा, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90। इसको ऐसे समझना, 90 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90, क्यों, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब बीटा मीन्स 10, 10 बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 90, 10 अल्फा प्लस 90 या 90 प्लस अल्फा लिख दो, 90 प्लस अल्फा तो क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला याद आ जाता है कौन सा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा, ये समझ में आ गया, आई होप अच्छे से। अब बेटा आप लोग जानते हो 10 कोट का अपोजिट होता है, तो मैं कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 10 थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना पक्का। और एक मिनट एक मिनट, बच्चों में माइनस नहीं है प्लस है, 10 19 प्लस थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा होता है, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, कैसे, 90 में कुछ भी प्लस करो तो सेकेंड में आता है, सेकेंड हमेशा 10 और कोट नेगेटिव होता है, ठीक है, तो उस केस में ये माइनस यहाँ आ जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, 10 बीटा इज इक्वल टू, इसे लिखता हूँ 1 अपॉन 10 अल्फा, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए इसके लिए जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप स्लोप फर्स्ट वाले के लिए जो स्लोप होगा वो m1 होगा और सेकेंड वाले के स्लोप m2 होगा। m1 जो होगा उसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 10 अल्फा, और m2 के साथ एंगल क्या बन रहा है, 10 बीटा। तो यहाँ देखिए, तो हो गया m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1, मींस दोनों के स्लोप जब परपेंडिकुलर होंगे तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। तो इसको इधर भेजो तो क्या हो गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये परपेंडिकुलर केस में ये रिलेशनशिप हो गया, दोनों स्लोप्स के बीच में, टू लाइंस के जो स्लोप्स बन रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हो गया, आई होप समझ में आ रहा होगा। टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये देखें नेगेटिव रेसिप्रोकल दिख रहा है ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे के रेसिप्रोकल बट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आई होप दिस वन क्लियर, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लेता हूँ और अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलर की कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये दो चीज़ें समझ में आएगी, व्हेन टू लाइंस एल वन इज पैरेलल टू एल टू, उस केस में 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा, मीन्स एम वन इज इक्वल टू एम टू होगा। सेकेंड केस, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में आपका 10 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 बीटा ले सकते हो, या बीटा इधर आ जाए तो मीन्स एम वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम टू, इम्प्लाई दैट एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखना। जब परपेंडिकुलर की केस होगी तब ये सिचुएशन बनती है, और जब पैरेलल की केस होगी तो ये वाली सिचुएशन बनेंगी। तो आज हमने इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर किया है, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली कंडीशन, स्लोप किस तरीके से निकलेगा टू लाइंस का, क्लियर। बच्चों समझ में आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सारे कॉन्सेप्ट वाइज मैं टॉपिक्स बनाता जा रहा हूँ, उसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चन लेते जाएंगे तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आप 10th के बाद 11th में आए हो, आई होप मुझे लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये ज़्यादा वर्डन लग रहा है, पर डोंट वरी, धीरे धीरे इससे भी आपकी दोस्ती हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हाँ, कहीं कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताओ, मैं सोल्व करूँगा। इस लेक्चर में कहीं कुछ परेशानी है तो भी बताइए, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी, जैसे 10th में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, मैथ्स आपकी फेवरेट थी, उसी तरीके से 11th में भी आपकी मैथ्स फेवरेट बने, इससे आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।